निर्विकल्पम निराकारमेकम। माने गणेश जी कभी पैदा नहीं हुए, वो अज है और निर्विकल्प है और निराकार है और एक ही सत्ता है, जो चैतन्य सत्ता एक ही है, जो सर्वव्यापी है। उसका अनुभूति, जो मूलाधार चक्र जब खुलता है तब से अनुभूति शुरू होती है, तो उस चैतन्य शक्ति को यहाँ गणेश जी माना गया है। तो इस दृष्टिकोण से गणेश जी का रूप जो भी है बाहर दिखता है, हम गण हाथी का रूप से उनको मानते हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य भी है। ज्ञान के, विद्या के अधिपति, और विद्या और ज्ञान खुलता ही तब है जब आदमी जागृत होता है अपने भीतर से। जब जड़ता रहती है तो ना वहाँ ज्ञान है, ना विद्या है, ना जीवन में कोई चैतन्य है, प्रगति है। तो चैतन्य को जगाना है, और चैतन्य के अधिदेव जो है वो श्री गणेश जी है। और गणेश जी को कोई पराया, कहीं दूसरे बाहर ना समझ के अपने ही शक्ति के केंद्र माना गया, अपने भीतर गणेश जी को स्थापना कर दिया। जो सात चक्र है उन्हीं में से सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, वहाँ पर उनको ध्यान करने की एक प्रक्रिया है, विधि है। तो ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान तो कोई विषय नहीं होता मन में, तो बाह्य विषय, स्थूल विषय नहीं होता, तब सूक्ष्म विषय का अवलंबन लेते हैं, तब ये जो एक निराकार रूप फिर भी एक साकार रूपी गणेश जी है, उनकी प्रार्थना जो आदिशंकर ने किया है वो अति मधुर है। जिस चैतन्य शक्ति सारे संसार के कारणभूत है, जिनसे सब कुछ निकला है, जिससे सब कुछ चल रहा है, और जिस शक्ति में ही सब कुछ विलीन होने वाली है, ऐसी जो शक्ति है, वही शक्ति, वह कारण रूपी शक्ति ही परमात्मा है, वही परमात्मा ही परब्रह्म रूप श्री गणेश है। जगत कारण, जगत का कारण है, कारण ज्ञान रूपम। ये जगत का कारण के बारे में जानना भी एक सूक्ष्म ज्ञान है, वो ज्ञान भी गणेश ही है, ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है।